इल्म बहुत अहम चीज है ना, इल्म तो हासिल करना चाहिए, लेकिन फरमाते हैं हमेशा इल्म में 24 घंटे तलबा को मजबूर न करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुतनफिर ना हो जाए। इसलिए उस्ताद को चाहिए तलबा की निगरानी करे, उनकी नशात की निगरानी करे, खुशी कब तक है। बाकी आप कहेंगे कि आप हमें लेकर के बैठ जाते हैं, मैं इसलिए लेकर के बैठ जाता हूँ कि मेरे सबक में थकने वाला आदमी जो थकता है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि ये मुसलमान भी है या नहीं, समझ में है कि नहीं। ये अफसोस है आप लोगों पर, समझे। हमारे हजरत ने फरमाया मुझे जामिया फारूकी में रजिस्टर देते थे, मैंने कभी हाजिरी नहीं लगाई। असातिज़ा हाजिरी लगाते थे, महीने में कितने गैर हाजिरियाँ, किस तालिब के कितने गैर हाजिरियाँ, महीने के बाद मीटिंग होती थी, मैं तलाश करता मेरे रजिस्टर नहीं मिलता, कहाँ पड़ा हुआ वो घर में कुतुब खाने में कहाँ। साल के आखिर में कहते थे आप अपने क्लास के जो है ना कितने लड़के गैर हाजिर है, सबसे ज़्यादा गैर हाजिरी किसने किया, अगले साल हम उसको दाखिला न दें। रजिस्टर मेरे कई दफ़ा गायब हो गया। हजरत जी ने मुझे बुलाया, बुला करके कई दफ़ा डांटा और फरमाने लगे कि आप जो हमारे कानून के साथ मजाक करते कोई भी नहीं करता, क्या करें आपको, मस्जिद की शातिर की तरह जबा भी नहीं कर सकते, जला भी नहीं सकते, आपको क्या करें, क्यों जी। कह लगा आप हाजिरी नहीं लगाते। मैं कहा हाजिरी लगाने का मकसद तलबा हाजिर हूँ, आप ये कर दो जो असातिज़ा हाजिरी लगाते उनके घंटे में भी जाओ, देखो कितने गैर हाजिर हैं, मेरे घंटे में भी आ जाओ। ये आपके जामे सिद्दीक़े के बहुत से असातिज़ा घंटों में नहीं जाते थे, सिर्फ शेख साहब के घंटे में जाते थे, मेरे घंटे में बस यही था, समझे। सर्वे किया हजरत ने, सर्वे किया कि उलमा किसके घंटे में बाहर से आते हैं सबक सुनने के लिए, पता चल गया कि शेख साहब के घंटे में जाते और मेरे घंटे में, बस समझ। उसके बाद हजरत ने फरमाया इसको जाने दो, ये मरफूल कलम है, बोलो ये मरफूल कलम है, इसकी इस्लाह नहीं होगी, समझ। मेरे सबक में जो थकता है हाथ खड़ा करे, हो सकता है होश में ना हो हाथ खड़ा करे। हजरत मौलाना असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए, मुआवज़तैन के ख़त्म पे मैंने उसको बुलाया तफसीर के, यहाँ छपरा लगा हुआ था, एक छपरा ये एक इस तरफ लगा हुआ था तबलीगी ने, तो मैं जामिया फारूकी में रहता था, यहाँ आकर के पूरा दिन पढ़ाता था शाबान रमज़ान में, फिर वापस चूँकि इमाम था जामिया फारूकी में जाता था। असलम शेखपुरी को मैंने लाया घंटे डेढ़ घंटे के लिए, हजरत ने दर्श दिया तो माशाल्लाह लड़के सो रहे थे। मैंने कहा हजरत खुदा की कसम सात सात घंटे छः छः घंटे बैठता हूँ, इस तरह नहीं सोते जैसे तुम्हारे आधे घंटे के अंदर ये सो गए, लेकिन आप लोगों में अब रोज़ बरोज़ सोने वाले, उसकी वजह एक उस वक्त ये टच मोबाइल इतना नहीं था, टच मोबाइल नहीं था। अब जाहिर है आपकी बड़ी मेहनतें हैं, आधी रात तक आप टच मोबाइल देखते रहते हैं, समझ रही मियाँ कि नहीं, और टच मोबाइल देख देख करके सुबह को आपको नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, आपकी मेहनतें हैं। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि बाबा जाने दो, पूरी रात इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, समझ रही, नंगी नंगी तस्वीरें भी देख